नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं, तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं रेखा सिंह अहलावत, प्लेटिनम डायरेक्टर, आज स्वागत करती हूं आप सबका अपने इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है और इस टाइम में हम सब प्रोटेक्शन के लिए मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमें सबसे पहले क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या हम अवेयर है प्रोडक्ट की क्वालिटी से। सैनिटाइजर की बात करें तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सैनिटाइजर अवेलेबल हैं। आज हम आपको हमारे मोदी केयर के सैनिटाइजर और बाकी जो कंपनी के सैनिटाइजर हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके का सैनिटाइजर आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट सैनिटाइजर होता है। और बात करें तो मोदी केयर हमेशा से ही बेस्ट क्वालिटी हमको प्रोवाइड करता है। और ये मैं इसलिए नहीं कहती कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है या मुझे मोदी केयर को प्रमोट करना है, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। और हमारी कंपनी इस कोरोना टाइम में जो कंपनी ने इतिहास रचा, जो हिस्ट्री क्रिएट की है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के दम पे की है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पे की है। क्योंकि हमारी कंपनी का जो बेस है वो उसका प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बात करते हैं कोरोना टाइम में सैनिटाइजर की, कि जब भी हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं हम सैनिटाइजर यूज करते हैं। और सैनिटाइजर वैसे मोस्टली ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफी हार्म करता है, आपके हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और आपकी स्किन के लिए भी। लेकिन अगर आप एक अच्छा सैनिटाइजर यूज करते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता और किसी तरीके का हेल्थ चैलेंज आपके आगे नहीं आता, तो उसके लिए आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि एक अच्छे सैनिटाइजर की क्वालिटी क्या होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें आपको पता चले कि सैनिटाइजर कैसा लिया जाए। सबसे पहली बात है, मार्केट में कई तरीके के सैनिटाइजर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको सैनिटाइजर यूज करना है तो सैनिटाइजर यूज करने के लिए जरूरी है कि सैनिटाइजर लिक्विड या जेल में से कौन सा बेस्ट है। तो गाइस, आप सभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि अगर आप लिक्विड और जेल बेस में से अगर कोई सैनिटाइजर चूज करना चाहते हैं तो आप जेल बेस सैनिटाइजर चूज कीजिए। आप देखेंगे ये दो लिक्विड सैनिटाइजर है मेरे पास और ये दो जेल बेस सैनिटाइजर है। तो अब बात करते हैं व्हाई मोदी केयर प्रोडक्ट्स आर बेस्ट हमारे सैनिटाइजर। ये मोदी केयर का सैनिटाइजर है, इसमें 99.9% बैक्टीरिया जर्म्स किल करने की पावर है जो सभी पे मेंशन होता है हमारे हर प्रोडक्ट्स पे। जितने भी आप मार्केट के प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें सब पर मेंशन है। लेकिन एक अच्छे सैनिटाइजर का सबसे पहले तो अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। और इसमें जो एथिल अल्कोहल की बात करें तो CDC गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की, तो वो कहते हैं कि एक अच्छे सैनिटाइजर में 60-95% के बीच में या 60-70% के बीच में एटलीस्ट 60% तो एथिल अल्कोहल होना ही होना चाहिए होना। और अगर बात करें WHO की, CDC गवर्नमेंट की, तो 60% तो एथिल अल्कोहल होना ही होना चाहिए। और हमारे इन प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल की मात्रा इसमें 95% दी गई है, 95% दी गई है। और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, जेल बेस्ड सैनिटाइजर आपके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटीज ऑफ सैनिटाइजर होता है। तो मोदी केयर का प्रोडक्ट जो हम आपके बार बार कहते हैं कि मोदी केयर हमेशा हमें एक सुपर क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, तो जरूर ट्राई कीजिए। और इसकी दूसरी खास बात क्या होती है, दूसरी खास बात होती है एक सैनिटाइजर की, कि जब आप कोई सैनिटाइजर यूज करते हैं तो वो सैनिटाइजर कैसे, एक तो उसमें लाइट फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस ज्यादा सॉलिड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो माइंड पर चढ़ती है। आज जेल बेस्ड होना चाहिए, लाइट फ्रेग्रेंस होनी चाहिए और एटलीस्ट 60% या 60% अबाउट उसमें एथिल अल्कोहल होना चाहिए, तब अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए और तब एक सैनिटाइजर होता है, एक बेस्ट क्वालिटी का सैनिटाइजर बनता है। और जब आप इस सैनिटाइजर को यूज करते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सैनिटाइजर सच में एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर है? तो गाइज, जब आप सैनिटाइजर को लेते हैं पाम पर, तो सबसे पहले तो आपको जैसे ही आप उसको पाम पर लेते हैं एक ठंडा सा कुछ हाथ पर महसूस होता है। जब आपको ये ठंडा सा महसूस होता है तो आप सोच समझ सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और उसके बाद दोनों पाम को रब करके आप इसे अच्छे से हैंड्स पे सैनिटाइज कर सकते हैं।
देन सैनिटाइज करने के बाद आप चेक करें कि आपके हैंड्स पर कितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब हुआ है, जितनी जल्दी वो हैंड्स पर से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, वो सैनिटाइज बेस्ट क्वालिटी का होता है। ध्यान रखिए, एक अच्छा सैनिटाइज होता है एटलीस्ट 60% या 60% अबव एथिल अल्कोहल, जिसमें ज्यादा होगा वो सैनिटाइज बेस्ट होगा। जब आप उसको यूज करते हैं तो आपको कुछ हल्का सा ठंडापन लगेगा, सूथिंग क्वालिटी उसमें होगी, एक लाइट फ्रेग्रेंस उसमें होगी, और उसके बाद जब आप उसे हाथों पर यूज करेंगे तो हाथों पर यूज करने पर वो एकदम ड्राई हो जाएगा। 99.9% बैक्टीरिया किलिंग पावर जो हम बताते हैं कि जैसे ही हमने उसको यूज किया 30 सेकेंड्स के अंदर, तो वो बैक्टीरिया को, जर्म्स को किल करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बार बार किसी सैनिटाइजर को यूज ना करें। सैनिटाइजर यूज जब करना है जब आपके पास वाटर एंड सोप अवेलेबल ना हो। कोशिश कीजिए हाथों को आप पानी से और साबुन से धोएं। जब आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे हो जहाँ आपके पास पानी की फैसिलिटी नहीं हो, जहाँ आपके पास साबुन की फैसिलिटी नहीं हो, वहां आप सैनिटाइजर को यूज कीजिए। क्योंकि जो बाकी, अगर आप मार्केट के सैनिटाइजर की मैं बात करूँ, ये तो हमने बात करी हमारे सैनिटाइजर की, अगर मैं मार्केट के सैनिटाइजर की बात करूँ तो कहते हैं कि एक सैनिटाइजर पे लिखा हुआ जो होता है इन पे, वो होता है एथिल अल्कोहल एथेनॉल, लेकिन कंटेनिंग जो इनकी होती है वो मेथनॉल से होती है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। यूज करने पर स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम उससे हो सकता है, ब्लाइंडनेस तक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्किन ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन में मैंने अभी दो तीन बार देखा कुछ लोगों ने मार्केट के सैनिटाइजर यूज किए लिक्विड बेस्ड, तो उनकी स्किन पे से अगर हाथों पे से देखें तो स्किन ऐसे निकल रही है, लाइक स्किन पीलिंग का प्रॉब्लम उनको हो रहा है। तो मैंने देखा, ट्राई किया कि जब हम हमारा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो मुझे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली में किसी ने भी अगर मार्केट से ये लिक्विड वाले ट्राई किए हैं तो उनको स्किन पे स्किन निकलने का प्रॉब्लम हो रहा है, और उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम किससे हो रहा है। उन्हें लग रहा है वेदर चेंज, रेनिंग सीजन, ह्यूमिडिटी, इस कारण से उसकी स्किन में चेंज हुआ है या स्किन निकल के आ रही है, लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो है सैनिटाइजर, जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा रहा है। अगर बात करें स्किन की, तो इसमें क्लोराइड होता है, और क्लोराइड क्या करता है, आपकी स्किन में जलन, एक ईचिंग, और आपकी स्किन को निकालना शुरू करता है, जो मार्केट के सैनिटाइजर। तो एक अच्छे सैनिटाइजर के लिए अगेन मैं ये कहूंगी मोदी केयर पे, हमें प्राउड है हमारी कंपनी पे कि हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लाती है जिसपे हमेशा हमें बेस्ट क्वालिटी मिलती है, जिससे हमेशा एक अच्छी क्वालिटी लोगों को दी जाती है। और मैं लोगों को सिर्फ अवेयर करना चाहती हूँ हमारे प्रोडक्ट से कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें। आप मार्केट के जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम सब क्वालिटी से अवेयर होंगे। तो अब मैं आपको इसी प्रोडक्ट्स के कुछ डेमो देके दिखाऊंगी कि अभी तक मैंने बताया एक अच्छे सैनिटाइजर की क्वालिटी क्या होती है। उसमें एथिल अल्कोहल 60% अबव होना चाहिए। दूसरा, जब आप उसे यूज करें, एक तो वो जेल बेस्ड होना चाहिए, जब आप यूज करें तो आपको उसमें सूथिंग क्वालिटी होनी चाहिए, जब आप लगाएं तो आपको आराम मिलना चाहिए, आपको ठंडापन सा महसूस होना चाहिए, लाइट फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, और एथिल अल्कोहल होना चाहिए। लेकिन कुछ जो मार्केट के प्रोडक्ट्स में मेथनॉल है, जो कि टॉक्सिक होता है और स्किन एलर्जी होती है हमें, लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को, मैं इस सैनिटाइजर को आई थिंक मार्च से यूज कर रही हूँ और मुझे किसी तरीके का स्किन में कोई चैलेंज नहीं है, कोई ड्राइनेस नहीं है हाथों पर, और किसी तरीके का मुझे स्किन में कोई पीलिंग वाला प्रॉब्लम नहीं कि मेरी स्किन निकल रही हो। लेकिन अगर मार्केट के प्रोडक्ट्स आप देखते हैं तो उनमें लोगों को स्किन का चैलेंज आ रहा है। अगर आप एक अच्छा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो हाथों पर लगाने के बाद वो तुरंत ड्राई हो जाएगा, हाथों पर पहले ठंडापन देगा फिर ड्राई हो जाएगा और चिपचिपा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अच्छे बेस्ट सैनिटाइजर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डेमो की, व्हाई आर प्रोडक्ट्स आर बेस्ट। तो देखेंगे, ये मेरे पास मार्केट के सभी तरीके के सैनिटाइजर रखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि सैनिटाइजर जल्दी सूख जाता है, तो दोस्तों शुरू करते हैं डेमो आज का हमारा, कि कौन सा सैनिटाइजर हमारा बेस्ट है, और सैनिटाइजर बेस्ट होने के लिए जरूरी है कि वो सैनिटाइजर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता हो और जेल बेस्ड हो। तो ये हमारा मार्केट का जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है उसको ले रही हूं मैं। ये मैंने सैनिटाइजर लिया और इसको मैं ट्राई कर रही हूं ड्रायर से। आप
देख सकते हैं अभी भी ये गीला है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इट मीन्स ये सूखा नहीं है, ड्राई नहीं है। बात करते हैं जाने में पहचाने ब्रांड की, और जो कि जेल बेस में है। आप जेल बेस को आप कैसे कंपेयर करेंगे कि आप एक अच्छा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं हमारा, ये मैं ले रही हूँ हमारा जेल बेस, एक जाना पहचाना ब्रांड। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये इस पे ले लिया है। आप इसको हम ड्राई करके देखते हैं। आप देखेंगे, जरा कैमरे को पास लाए प्लीज। आप देख सकते हैं कि ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और मैंने इतना बार इसको ड्राई कर लिया और इसकी लेयर देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो मैं इसे फिंगर से निकाल के दिखा सकती हूँ आपको कि ये अभी भी एज इट इज, ये देखिए, ये आपके स्किन पर रह जाता है, और इस कारण से आपको स्किन प्रॉब्लम इश्यू शुरू हो जाते हैं, स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम, स्किन निकलना शुरू हो जाता है, ये देखिए। तो दोस्तों ये एक जाना पहचाना ब्रांड था। अब बात करते हैं मोदी केयर की प्रोडक्ट्स की। अब हम लेते हैं मोदी केयर का सैनिटाइजर। और हम इसे ड्राई करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं धीरे धीरे सैनिटाइजर बिल्कुल गायब हो गया है। देख सकते हैं सैनिटाइजर धीरे धीरे बिल्कुल सूख गया है। तो गाइज आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल खत्म हो गया है धीरे धीरे, और इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं, विद डेमो हम उनको प्रूव करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का डेमो है। आप बात करें कि आपका कौन सा सैनिटाइजर जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, चिपचिपा नहीं होता है, आपकी स्किन में सूथिंग क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू CDC, अकॉर्डिंग टू WHO, उसमें एटलीस्ट 60% एंड 60% अबव एथिल अल्कोहल होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट्स पर कुछ और मेंशन है, मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं जिन पर एथिल अल्कोहल मेंशन तो किया गया है, लेकिन उसमें एक्चुअल में कंटेनिंग में मेथनॉल को रखा गया है, उसका पता लगाने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपका फेक है रियल है, आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से ड्रायर के थ्रू अभी सब प्रोडक्ट्स को, कि कौन सा जेल बेस और लिक्विड बेस आपका बेस्ट है। अगर वो ड्राई नहीं होता है तो इट मीन्स वो फेक है, मेथनॉल उसमें मिलाया गया है जो कि टॉक्सिक होता है। तो हमें बड़ा प्राउड है कि हम मोदी केयर का पार्ट है, और मोदी केयर का सैनिटाइजर वन ऑफ द बेस्ट सैनिटाइजर है। तो दोस्तों इस कोरोना टाइम में जरूर यूज कीजिए हमारा प्रोडक्ट सैनिटाइजर, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखिए, आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए, प्रोटेक्शन जरूर लीजिए। सैनिटाइजर हमेशा तभी यूज करें जब आपके पास पानी या सोप अवेलेबल हो, वरना कोशिश करें सैनिटाइजर को कम से कम यूज करें। और दोस्तों जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि मोदी केयर हमेशा एक बेहतरीन प्रोडक्ट उतारता है मार्केट में, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतारता है। तो आप लोग जरूर मोदी केयर के प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करने से पहले उसकी क्वालिटी जरूर पता कीजिए, आपको किस तरीके का सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। इस कोरोना टाइम में हम जब मन कर रहा है तुरंत सैनिटाइजर को हाथों पर लगा लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। प्लीज 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 कोशिश करें कम से कम सैनिटाइजर यूज करें, क्योंकि जो आप मार्केट के सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो टॉक्सिक है, मेथनॉल है उनमें, और वो टॉक्सिक है जो बहुत आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं और बहुत तरीके की बीमारियां आपके बच्चों में ला सकते हैं, आप में ला सकते हैं। तो दोस्तों मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thank you so much.